जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम को मिलाकर एक संयुक्त टीम गठित करते हुए ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत कर दी है। लिहाजा अब सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट की जमीन, नजूल भूमि, सीलिंग की जमीनों पर अवैध कब्जा करने व विक्रय करने वालों पर प्रशासन शिकंजा कसेगा। यह टीम जमीनों पर कब्जा कर जमीनों को क्रय करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। यह जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर दिनेश जैन बीएस तोमर ने बताया कि गुरुवार से ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत हो गई है, लिहाजा अब इस तरह के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनवाई वगैरह में आती है, कॉलोनी के लोग भी आते हैं, जिसमें ज्यादातर ये रहता है कि किसी ने बाउंड्री वॉल नहीं बनाई है, किसी ने टेम्परेरी कनेक्शन लिया हुआ है विद्युत मंडल से, या फिर पानी की व्यवस्था में उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया है, तो ऐसी जो शिकायतें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। अपर कलेक्टर जैन के मुताबिक सरकारी जमीनों को खरीदना और बेचना अपराध है, लिहाजा ऐसे मामलों में दोनों ही पक्षों को आरोपी बनाया जाएगा। जैन के मुताबिक ऐसी जमीनों को ऑपरेशन क्लीन के तहत कब्जा मुक्त भी करवाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। और जो लोग ऐसे कॉलोनाइजर जो पहले इन सब चीजों का सरकारी जमीन की आप इसका वो बहुत बड़ा पार्ट है सर, नहीं इसमें क्या है कि जैसे जो कॉलोनाइजर पहले कॉलोनीज डेवलप कर चुके हैं और वर्तमान में भी कुछ नई डेवलप करते हैं, तो हम लोग इस बात की अब जानकारी ले रहे हैं कि आपने पहले कौन सी कॉलोनी डेवलप की थी, और उनमें अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको आगे की परमिशन भी नहीं दे रहे हैं।